आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। भारत में चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लेकिन काबिले गौर यह है कि इस पंचवर्षीय योजना में हर बार का मुद्दा कुछ अलग ही होता है। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्षी पार्टियां हर बार के तरीके इस बार भी महंगाई, रोजी, युवा और महिलाओं के मुद्दे पर बात कर आवाम के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस बार के चुनाव में भी विपक्ष के मुद्दे वही हैं, बस नाम बदले हुए हैं। कोई इस चुनाव को संविधान मंथन के तौर पर देख रहा है तो कोई न्याय यात्रा कर लोगों को न्याय दिलाने की बात कह रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपने 10 सालों के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में है, लेकिन इस बीच ये चुनाव 4M यानी मंगलसूत्र, मुसलमान, मुस्लिम लीग और मछली पर केंद्रित हो गया है। यानी असल मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। 400 का नारा देने वाली पार्टी जब अपनी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त और उत्साहित है कि वो अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का खाका नतीजों से पहले ही तैयार कर चुकी है, तब सवाल ये कि इस 4M की आखिर जरूरत क्यों? क्यों नहीं सरकार केवल अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच में है? राम नाम से शुरू हुआ चुनाव दूसरे फेज से पहले 4M पर आ चुका है। 3 तलाक कानून लाकर मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करने वाली पार्टी आखिर दूसरे दलों को संप्रदाय विशेष से जोड़ दे तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ध्रुवीकरण के मायने और मकसद क्या हैं। लेकिन उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हटने का अधिकार है? क्या क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में, अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, जो चुनाव राम के नाम पर शुरू हुआ था वो दूसरा फेज जाते आते मुस्लिम लीग, मुसलमान, मछली, मंगलसूत्र तक पहुंच चुका है। लेकिन आज का मुद्दा यही है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? आखिर क्यों 400 नारा देने वाली पार्टी इन ध्रुवीकरण के मुद्दों को चुनाव में उठा रही है? सरकार क्यों नहीं अपने पिछले 10 साल के कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है और क्यों यह संदेश देने की कोशिश और खास तौर पर कांग्रेस को ही आड़े हाथ लिया जा रहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई, कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आ गया
तो वो आपका सोना, आपका मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, ये नौबत आखिर क्यों? प्रियंका गांधी वाड्रा ने जवाब दिया कि 55 सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, क्या आपसे कभी सोना छीना गया क्या? क्या आपसे आपका मंगलसूत्र छीना गया क्या? वही राहुल गांधी इन सब के बीच ये कहते हुए देखे सुने गए कि पहले मेरा आकलन था कि कांग्रेस पार्टी का आकलन ये कह रहा था कि 180 सीटें एनडीए लेकर आ रही है, लेकिन अब 15-20 दिनों के बाद जिस तरीके से चुनाव दूसरे फेज तक आ पहुंचा है, अब मेरा ये आकलन कहता है, रिपोर्ट्स ये बतला रही हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 150 सीटों पर ही सिमट जाएगा। ऐसे में ये तमाम वार पलटवार, आज दूसरे फेज का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 26 अप्रैल को दूसरे फेज में 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले तमाम सियासी कोशिश वोटरों को लुभाने की और उनके बीच जाकर यह बतलाने की कि दरअसल हमारे होने के मायने क्या हैं और दूसरी पार्टी के सत्ता में आने के मायने क्या होंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम आर पार और समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जरूरत यहां तक आन पड़ी है। तो देखिए, सियासत जो न कराए वो कम है, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा एजेंडा ध्रुवीकरण का, और शायद इसी के सहारे अब कोशिश है सत्ता में वापसी की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तो उसे मुस्लिम लीग का नाम दिया गया, कहा गया कि इसमें दरअसल मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। इसके बाद मुसलमानों का जिक्र हुआ। नवरात्र जब चल रहे थे तो पीएम मोदी ने दो अलग अलग जनसभाओं में कहा कि ये लोग, विपक्ष के लोग, नवरात्र में आस्था के नाम पर देखिए कैसे लोगों को चिढ़ा रहे हैं, आस्थावादी लोगों को चिढ़ा रहे हैं और मछली खा रहे हैं, मटन बना रहे हैं। और इसके बाद हम अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं मंगलसूत्र पर ये जो वार और पलटवार हो रहा है। लेकिन आखिर जो मुद्दे असल में होने चाहिए, जो मुद्दे जनता के होने चाहिए, चुनाव आते आते वो मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं और इन जातिगत और धार्मिक हवाओं में उड़ जाते हैं। क्योंकि सियासत के शामियाने में जाति के जलसे जलाल होते हैं, लेकिन आखिर इस तरीके से जब जलसे किए जाएंगे, बातें की जाएंगी, तब सवाल उठाना पड़ेगा और उठाना लाजमी भी है, क्योंकि ये सवाल लोकतंत्र का है, सबसे बड़े चुनाव का है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ शमसी आजाद हैं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड रखेंगी पूजा शुक्ला, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ कांग्रेस से सुधांशु वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजेश यादव, बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत शमसी आजाद जी से। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, कहा कि 15-20 दिन पहले मेरा यह आकलन था कि 180 सीटें एनडीए लेकर आ रही है, लेकिन अब मेरा यह आकलन कहता है कि वो 150 सीटों के आसपास रहेंगे। तो क्या उसी का नतीजा है मुसलमान, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, मछली और यहां तक कि ये सियासत उतर आई है? शमसी आजाद जी, ओवर टू यू। चैनल के सभी दर्शकों को, इस चैनल में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को जी, अखिलेश यादव हूँ, चाहे राहुल गांधी, आप जानते हैं कि इस वक्त किस तरीके से बौखलाए हैं, किस तरीके से परेशान हैं, क्या कुछ मुंह से बोल दें, कब बोल दें, ये कहने वाली कोई बात नहीं है। और इतना ही, अगर उनको लग रहा था कि 180 पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है तो उनको इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं थी और कन्नौज से अखिलेश यादव को लड़ने की जरूरत नहीं थी, राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली का जिन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा, इसकी भी जरूरत नहीं थी। ये सब जो है विपक्ष जो है पूरी तरीके से भयभीत है, पूरी तरीके से घबराया हुआ है, पूरी तरीके से इनको ये लग गया है कि ये आखिरी चुनाव है 2024 का चुनाव, क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी ना इन्होंने पहले की थी और ना इस वक्त
कोई ऐसा मुद्दा बना रहे हैं कि जिससे जनता का समर्थन मिल सके, जनता इनके साथ हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से ही इस चुनाव को जीतने के लिए अपने पिसादे बिछाना शुरू कर दिया था, जनता के बीच में जाने शुरू कर दिया था। आपको मैं बता दूं राम जी, मुद्दा बहुत मजनाते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है, देश में अराजकता है। शमशी भाई आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई है, विपक्षी बौखलाए हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि 180 लाएंगे। अगर वो 180 ला रहे हैं, एनडीए 180 ला रही है, तो फिर इनको चुनाव की जरूरत क्या है? बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमने तीसरे कार्यकाल का 100 दिन का खाका पहला तैयार कर लिया है, तो फिर जरूरत क्या है मुसलमान की, मछली की, मंगलसूत्र तक आने की? भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से चुनाव के बिसात बिछाना शुरू कर दिया था, और योगी जी ने जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश में शपथ ली थी तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, उसी वक्त बिल्कुल साफ संकेत दे दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। और उसी पर भारतीय जनता पार्टी योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम, रैली के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, कभी तिरंगा यात्रा, कभी सम्मान राशि, कभी सम्मान समारोह, कभी आशीर्वाद, सारी चीजें। सुधांशु वाजपेयी जी, मैंने अपने घर के लोगों को क्या कह दिया तो ठीक है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो अपना सोना बचा के रख लो, क्या कह दिया तो ये ठीक है क्या? ओवर टू यू सुधांशु वाजपेयी जी। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वो तो उनकी हताशा बोल रहे हैं, क्योंकि जो राहुल जी ने कहा है वो अक्षर सा सत्य है। इस देश के किसानों, नौजवानों ने ठान लिया है कि इस बार बदलाव होना है। और आप समझिए ना कि मतलब कितनी हास्यास्पद बात है, जो 10 साल सरकार चलाया है जी, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय, अपने सरकार के प्रदर्शन बताने के बजाय मांस मछली मुसलमान पाकिस्तान। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में इस देश को कुछ भी नहीं दिया जी, सिवाय गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी। इस देश में 70 साल की सबसे बड़ी गरीबी है, इस देश में 70 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, इस देश में 70 साल की सबसे बड़ी भुखमरी है। तो नरेंद्र मोदी जी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, उनको ये लग रहा है कि केवल और केवल इस चुनाव में अंतिम विकल्प यही रह गया है कि किस तरीके से इस चुनाव को हिंदू और मुसलमान कर दिया जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस दिशा में मतलब आरएसएस और बीजेपी के लोग जिन्ना के, सुधांशु जी ये समझना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लगता है आपको, ये आकलन आपका क्या कह रहा है? इसलिए ना कि और कोई विकल्प नहीं बचा, इनके पास बताने को कुछ है नहीं, अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। तो जो जिन्ना का सपना अधूरा रह गया था ना हिंदुस्तान को खंड खंड करने का, आरएसएस और हिंदू महासभा ने वो जिम्मा उठाया है, और नरेंद्र मोदी जी उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। जिन्ना भी हिंदुस्तान के बंटवारा इसीलिए करवाया। पूजा शुक्ला जी, वापस आऊंगा आपके पास सुधांशु जी, मोदी जी भी यही, पूजा जी के पास चलता हूँ। पूजा जी, जब समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ों की, मुसलमानों की, दलितों की बात करती है, जातियों की बात करती है, जाति विशेष की बात करती है, तो अगर उन्होंने धर्म का मुद्दा उठा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? पूजा जी, ओवर टू यू। तो जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ना उन पे बेरोजगारी पे बात करने का है, ना 15 लाख रोजगार पे बात, 15 लाख जो खाते में आएंगे उससे बात करने का है, ना 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 15 लाख खाते में काले धन की बात करते थे, और जितनी भी बातें ये करते थे, कहते थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। तो आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने लंबे समय के कार्यकाल में अगर कुछ हुआ है तो मणिपुर में महिलाओं के साथ नग्न करके उनका वीडियो बनाया गया, बलात्कार हुआ है। अगर इन 5 सालों में 7 सालों में कुछ हुआ है तो उन्नाव में इनका ही एक विधायक था जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, और पंचमतल में मुख्यमंत्री उसको अपने साथ लेके घूमते रहे और किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ है तो वो ये हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो सड़क पर आंदोलन करते हैं, उनको रोजगार देने की जगह लाठियों से पीटा जाता है। अगर कुछ हुआ है तो हाथरस में एक दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, और आनंद फानंद में उस नाबालिग लड़की को रात ही में जला दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ उसके दुष्कर्म हैं जो 7 साल के हैं, उन्होंने अगर कोई काम किया होता तो आज भारत के प्रधानमंत्री को मंच से खड़े होकर के मछली, मुसलमान,
और अन्य तरह की जो मंगलसूत्र इस तरह की बातें पे नहीं करना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका चुनाव पूरा विश्व देखता है, और उस विश्व में क्या मैसेज दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री कि हमारे यहाँ रोजगार पे बात नहीं होती, हमारे यहाँ शिक्षा पे बात नहीं होता, हमारे यहाँ महिलाओं पे बात नहीं होती, हमारे अगर कोई चुनावी मुद्दा है तो वो मछली कितने खाई, कब खाई, और झूठ प्रचारित करना। विपक्ष को किसी भी तरीके से धर्म के खिलाफ दिखाना है भारतीय जनता पार्टी को, ये एक्सपोज हो चुके हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि भगवान राम ही आज उनके साथ नहीं खड़े। आज जिस तरह का माहौल है, शमशी जी, भगवान राम ही आपके साथ नहीं खड़े हैं, भगवान राम आपके साथ नहीं खड़े हैं, भगवान भगवान राम राम कह रहे हैं आप। देखिए पूजा जी कह रही है, हम अगर भगवान को राम कह रहे हैं, राम को भगवान मान रहे, तो इनके सीने पर साफ क्यों लौट रहा है? ये विरोध करते रहे, ये विरोध करते रहे राम का, और उसका असर इन्होंने देखा कि किस तरीके से विधानसभा में इनके नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, इनके मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी और उसके बाद अभय सिंह जैसे लोगों ने किस तरीके से जय श्री राम का नारा लगाया, और राज्यसभा में हमारे प्रत्याशी संजय सेठ को जिताया। तो हम तो राम का सहारा लेंगे, हम इससे कहीं भी भाग रहे हैं, बिल्कुल साफ में सुन लें कि हमारे राम है और हम राम के साथ है, और जो राम को मानता है, जो देश को चाहता है और देश के विकास में अपना हाथ बटाना चाहता है, जो चाहता है कि आने वाला समय ये याद रखे कि जब देश पर आन पड़ी थी, जब देश को जरूरत थी, तो आपने मतदान करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, और उस मोदी जी ने देश को मजबूत बनाया, गैंग करने वाली आज अखिलेश यादव की हिम्मत पड़ गई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ जाए, तो थोड़ा सा विपक्ष का माहौल बन जाए, तब इन्होंने जो है आनंद फानंद में अपने कन्नौज से चुनाव लड़ने का वादा किया, नहीं तो इससे पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था, और यही हाल उनके नेता आदरणीय चाचा जानकी के शिवपाल यादव जी, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। तो न इनके पास मुद्दा है, और इनके पास अगर जनता साथ देती तो इतना मुद्दा की नाम पूजा शुक्ला जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी एक मुद्दे को लेकर इन्होंने अमित शाह जी को मैनपुरी से लड़ना चाहिए था, क्या एक प्रदर्शन किया इन्होंने एक जगह जाकर, सर जनता इनके साथ आई, कहीं कुछ नहीं है। अमित शाह को मैनपुरी से चुनाव लड़ना चाहिए था, समाजवादी पार्टी अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और ये देश की जनता जानती है, ये परिवारवाद का चुनाव नहीं है भाई साहब, ये चुनाव देश का है। पूजा शुक्ला, देश को बचाने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, और जो नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत लेकर आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन नेताजी को दूसरे फेज में कन्नौज जाना पड़ रहा है, आखिर इतनी कंफ्यूजन क्यों है भाई? पूजा जी, भाई ये तो पार्टी निर्णय लेती है ना, राष्ट्रीय निर्णय नहीं लेते हैं, ये हमारे यहाँ चुनावी कमेटी है, वो नहीं, पार्टी तो निर्णय लेती है, लेकिन फिर तेज प्रताप यादव को पहले आपने मैदान में उतार दिया। मानिए अखिलेश यादव जी का बहुत पुराना रिश्ता है, और नेताजी से लेकर के लगातार कन्नौज का एक पुरानी समाजवादी विरासत रही है, तो कन्नौज के बारे में मत कहिए, कन्नौज का निर्णय कन्नौज की जनता करेगी, समाजवादी पार्टी के ये इंटरनल इश्यूज हैं, पार्टी तय करती है, और अभी कुछ तय तो नहीं हुआ है, अभी कोई सूची तो नहीं आई है, तो इस तरह की बातें कि पार्टी ने पहले तेज प्रताप को तय किया, उसके बाद अब अखिलेश यादव तय हो रहे हैं, चाहिए हो रहा है, हो तो बहुत कुछ रहा है, भगवान राम तो राजा बनने जा रहे थे और वनवास हो गया, तो होने की बात तो मत करिए, हो तो बहुत कुछ सकता है देश के अंदर, तो आप ये तय करिए कि बेरोजगारी पे बात कौन करेगा, रोजगार की बात कोई करेगा, कौन 68 को शिक्षक भर्ती को नियुक्ति देगा, कौन महिलाओं को सुरक्षा देगा, कहीं भ्रष्टाचार की बात किया, कहीं महिला उत्पीड़न की बात किया, कहीं रोजगार की बात किया, कहीं जनता के साथ सड़कों पर उतरे, कहीं लाठी खाई, कहीं शमशी भाई आऊंगा आपके पास वापस, कितना परेशान है ये, एक भी दिन गए इको गार्डन इनसे पूछिए, मैनपुरी गए, हाथरस गए, अरे कितना झूठ बोलेंगे, खाली टीवी चैनल पे डिबेट करिएगा, आप एक बार जाके तो देखिए। ठीक है, राजेश यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। राजेश जी, ये जो माहौल हो चुका है दूसरे फेज से पहले 4M का, जो मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूं अपने मेहमानों के साथ में, आखिर इसकी नौबत क्यों आई है? देखिए बिल्कुल राम, अगर बात करें 4M की, तो देखिए आपको एक चीज बता दूं कि लगातार जी सारी पार्टियां जो हैं वो लोकसभा का चुनाव आ गया है, तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी सारी पार्टियां। लेकिन अगर बात करें हम 4M की, अभी जैसे कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी हमेशा जो है राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है, और इस बार भी 2024 के लोकसभा के चुनाव में राम पर चुनाव लड़ रही थी, राम के बाद अब जो है हनुमान पर आ गई, अब हनुमान के बाद अब इस 4M पर आ गई। अब सोचिए कि अगर बीजेपी इस तरह से
काम कर रही है, इसका मतलब सीधा सीधा सा सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने जो उसके कोर वोटर थे, जो 2014-2019 में बीजेपी का वोटर था, वो कहीं ना कहीं वो खिसक रहा है। और धरातल पर अगर देखा जाए, धरातल पर अगर देखा जाए तो जो बीजेपी ने 2014-2019 में जो बीजेपी के मुद्दे थे, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो थे, उस पर बीजेपी ने धरातल पर कोई काम नहीं दिखा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का था जनधन योजना। जनधन योजना को अगर आप देख लीजिए, 15 लाख हर किसान के खाते में जाना था, लेकिन किसी के खाते में, किसी गरीब के खाते में 15 लाख की बात छोड़ दीजिए, 15 रुपए भी नहीं गया। मतलब मूल बात यह है कि जिस मैनिफेस्टो को लेकर पार्टी सत्ता में आती है, तो कहीं ना कहीं जब तीसरे चुनाव की बारी आती है तो उस कार्यकाल के दौरान विकास की बात होनी चाहिए। और मैनिफेस्टो में क्या कुछ बातें, वादे जो किए गए थे, पूरे हुए कि नहीं? शमसी भाई, पूरे वादे किए मोदी जी ने, इसीलिए आज जनता एक बार फिर चाहती है कि तीसरी बार केंद्र में अगर सरकार बने तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए। पूजा जी हंस रही है, कह रही है 15 लाख रुपए मुझे मिल गए। पूजा जी मिल गए क्या? कितने लाख मिले आपको? कितने लाख मिले आपको? मुझे कोई बतला रहा था कि पूजा जी को 15 लाख रुपए मिल गए, बीजेपी ने दे दिए उनके खाते में। अरे अगर मेरे खाते में है तो उसको निकाल करके गरीबों के खाते में दे दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आजकल तो बैंक खातों की जासूसी भी कराते हैं मोदी जी, अच्छी बात है जी। सुधांशु जी, ये जो माहौल अब हो चला है, अमेठी में पोस्टर लग रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के लिए, एक तरफ राहुल गांधी को चुनाव लड़ा रहे हैं, दूसरी ओर पोस्टर लग रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा के, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, ये चुनाव मोदी वर्सेस जनता, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव इस देश की जनता लड़ रही है। और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, इस देश के सार्वजनिक संपत्ति और संसाधनों को बचाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों को दान कर दिया, औने पौने दाम पर सेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, HL बेच दिया, यानी इस देश के लोगों को ये मालूम हो चुका है। शमसी जी गौर करिएगा, देश बेच दिया और अब कह रहे हैं चुनाव जिता दो, क्या जी? सुधांशु जी का आरोप है कि देश बेच दिया है और अब कह रहे हैं चुनाव में तीसरी बार जिता दो। ये तो बात सही कह रहे सुधांशु जी, मैं क्योंकि देश जीत गया है और 10 साल से जिता रहे, कह रहे हमको 47 तक जिताओ, सपना लेकर आए 2047 तक का। देश को जो है भारत को इटली ने खरीद लिया है ना, इसीलिए उनको लग रहा है कि देश जीत गया है। ऐसे ही लोग जो होते हैं, ऐसे ही लोग जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, जिनको देश से कोई प्यार नहीं होता, जिनको जनता से कोई लगाव नहीं होता, वही लोग इस तरीके की बातें ऊंची हरकत करते हैं चुनाव के बीच में। तुष्टिकरण की राजनीति, दोहरीकरण की राजनीति और दोहरा चरित्र का उजागर होता है किस तरीके से जनता को भ्रमित करते हैं, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। और विपक्ष की हवाइयां पूरी तरीके से खुल गई है, उनकी कलई खुल गई है। राहुल गांधी को जब ये लग गया है कि वायनाड पूरी तरीके से हार रहे हैं, तब इन्होंने उत्तर प्रदेश के, पूजा जी, बीजेपी ने तो अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि वो इसी ढर्रे पर चलेंगे। समाजवादी पार्टी का, इंडिया अलायंस का एजेंडा क्या है? देखिए, इंडिया अलायंस का साफ तौर पर एजेंडा है कि हम देश के हित के लिए काम करेंगे, हम लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम रोजगार देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किसानों के, उनको उचित फसल का दाम मिले, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है, आने वाला जो चुनाव, जिस तरह की पोलिंग चल रही है, जिस तरह से पहला चरण चला है और लगातार जो जनता का जो रुझान आ रहा है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आम जनमानस का रोष है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। और इसीलिए लगातार जो प्रधानमंत्री की भाषण का जो गिरावट आप देखिए कि कितनी तेजी से, इतनी तेजी से भारत का रुपया नहीं गिरा जितनी तेजी से भाषण गिरता जा रहा है प्रधानमंत्री जी का, तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि इंडिया अलायंस। पूजा जी, पहले फेज के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि पश्चिम से जो हवा चली है वो बीजेपी के खिलाफ हो चली है, अब दूसरे फेज का इलेक्शन होने वाला है, ऐसे में क्या वो हवा बरकरार है या फिर रुख बदल गया है? देखिए, मैं जो ये बात कह रही हूँ कि आम जनमानस के मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, ये सब आम जनमानस के मुद्दे हैं। और आप ये बताइए कि हाथरस बीसी उत्तर प्रदेश में है, उन्नाव बीसी उत्तर प्रदेश में है और तमाम जो घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आसपास लोगों को पता नहीं चलता है, उन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जिस तरह से आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या में, मुझे याद है मैं एक आंदोलन में थी, डायल 112 के आंदोलन में थी, 500 बच्चियां
सिर्फ 2000 रुपए अपना वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट पे उतरी और वो आंदोलन लगातार चला। दिवाली वाले दिन तक वो बच्चियां बैठी थी और नहीं थी, लेकिन उनको रोजगार उनको बेरोजगार कर दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया। ये बहुत इम्पैक्टफुल है और इनका स्थानीय मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे होने चाहिए, बात होनी चाहिए मुद्दों की। राजेश, जो चुनाव जब शुरू होता है स्थानीय मुद्दों से लेकर, महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो आते आते इस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके मायने क्या हैं? और दूसरी चीज़ ये भी कि दूसरे फेज का इलेक्शन 26 अप्रैल को जब होगा तो यूपी की 8 सीटों पर भी चुनाव होना है। ऐसे में एक वो सीट अमरोहा की जिसमें बीजेपी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, लेकिन बीजेपी की ओर से इस बार कोशिश ये है कि पीएम मोदी खुद आते हैं अमरोहा में, योगी आदित्यनाथ 23 दिनों में 3 बार रैलियां कर लेते हैं, तो मैसेज साफ है कि इस बार इंडिया अलायंस को कोई भी चूक वहां से होने नहीं देना चाह रहे हैं। बिल्कुल राम, अगर हम बात करें इस दूसरे फेज की तो हमें पहले फेज में जाना होगा। जो पहले फेज का चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं उस चुनाव में जो धरातल पे चीज़ें थी वो चीज़ें सामने आई कि धरातल पर जो जनता है, जनता जो है वो बिल्कुल इस बार जो है जो बीजेपी के 10 साल के काम थे उन कामों को लेकर इस बार वोट दे रही है, क्योंकि जनता जान रही है कि 10 साल में उसको क्या मिला। तो जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए, धरातल की बात अगर की जाए, जमीनी स्तर की बात की जाए, ग्राउंड जीरो की, तो मुझे लगता है कि जनता इस बार अगर 20 लोगों को खड़ा किया जाए तो 20 लोगों में से 15 जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ नज़र आ रहे हैं इस बार। तो दूसरी चीज़ आपको बता दें, जो दूसरा फेज है, तो जो पहले फेज की हवा चली है, मुझे लगता है कि ये पहले फेज की हवा दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें फेज तक यही इनका रुख रहेगा इस हवा का, और जनता जो है इस बार धरातल पर काम करने वाले लोगों को चुनेगी, चुनाव करेगी, क्योंकि 10 साल वो देख चुकी है प्रधानमंत्री मोदी को और 7 साल देख चुकी है योगी आदित्यनाथ को। तो मुझे लगता है कि आने वाले जितने भी फेजेज होंगे, सारे फेजेज में जनता जो है बिल्कुल अब इनके खिलाफ उतरने की कोशिश कर रही है। अब चाहे मोदी जी हों, चाहे येगू जी हों, चाहे एम फैक्टर पर बात करें, या राम मंदिर के मुद्दे पर बात करें, या हनुमान चालीसा पर बात करें, तो जनता जो है अब जागरूक हो गई है, जनता समझ गई है कि इस राम और हनुमान के मुद्दे पर वोट देना ठीक नहीं है, क्योंकि जनता अब रोजगार मांग रही है, जनता काला धन मांग रही है कि काला धन कब आएगा, जनता वो 15 लाख रुपए जो जनधन के खाते में आना था वो मांग रही है, जनता महिलाओं की सुरक्षा मांग रही है जो कहीं दिख नहीं रही है धरातल की अगर बात की जाए। राम पूजा जी और सुधांशु वाजपेयी जी, आप दोनों से मेरा एक, चूंकि आप दोनों अलायंस कर चुके हैं देश भर में, उत्तर प्रदेश में, तो मेरा आप दोनों से एक ही सवाल है, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, युवाओं महिलाओं की बात आप पिछले 2 चुनाव से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इन्हीं मुद्दों पर जा रहे हैं, लेकिन जनता विश्वास क्यों नहीं दिखा पा रही आप पर, और इस बार दिखाएगी क्या गारंटी है? पूजा शुक्ला जी, पहले आप कहिएगा पूजा जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर अगर इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस तो बहुत लंबे समय तक इस देश के अंदर रही, तो जब मुद्दे उठते हैं, जब जन आंदोलन होते हैं, जब तमाम मुद्दों पर जनता अपना निर्णय स्वयं लेती है, तो थोड़ा हो सकता है समय लगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन मुद्दों पे बात, विपक्ष का काम ही यही है कि वो सही मुद्दों को, सही रास्ता सत्ता पक्ष को दिखाए, और सत्ता पक्ष का काम ये है कि अगर विपक्ष कोई बात सही कह रहा है तो उसकी बात को गौर से करना चाहिए, ना कि उन पर भ्रामक आरोप, उनकी छवि खराब करने का प्रयास, इस तरह का प्रयास सत्ता पक्ष को नहीं करना चाहिए। हम लोग लगातार इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और आप ये देखिए कि हमारा वोट बैंक निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बड़े संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से चुनाव के दौरान ये पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है, इस पर आप देखिए जो 8 सीटों का चुनाव हुआ, तो कहीं पर भी आपको इस तरह की कोई फिजा नहीं दिखी होगी जहां पर धर्म के नाम पर लोगों ने वोट डाला हो, लोगों ने जेन्युइनली अपने इश्यूज पे वोट डाला है, और हमें ये लगता है कि जिस तरह से ये 10 साल की पूजा जी, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, आपने वोट बैंक की बात की, आपका वोट बैंक क्या है, पीडीए आपका वोट बैंक है या जनता आपका वोट बैंक है? नहीं, जनता हमारा वोट बैंक है, उसमें हम पीडीए की बात इसलिए करते हैं क्योंकि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग आज भी इस देश के अंदर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उनके संघर्षों को मुद्दा, मतलब उनके संघर्षों में उनको अधिकार मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और हम सबकी ओवरऑल बात कर रहे हैं, हमारे पीडीए में पीड़ित अगड़े भी आते हैं। सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल आते हैं, सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं जी।
महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, लेकिन क्यों वो आंदोलन लोगों तक पहुंचने में और लोगों को समझने में देर लग जाता है? और क्या इस बार जो आपका नारा है उसे समझने में कितना देर लग जाएगी? देखिए, सांप्रदायिकता एक भावनात्मक मुद्दा है जिसपे तात्कालिक प्रतिक्रिया जरूर होती है, लेकिन मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है उसका विवेक, और वो विवेक ना, वो कॉन्सियसनेस है। इस देश की सामूहिक चेतना आज खड़ी हो चुकी है, इस देश का वो सामूहिक विवेक खड़ा हो चुका है। भावावेश में जो पिछली बार इस देश ने गलती की है ना, वो गलती इस बार नहीं करने को तैयार है। वो इस वो दिख रहा है, आप मतलब पहले चरण में दिख चुका है, पूरे देश में जो नौजवानों का हुजूम उठ रहा है, जो बातें चल रही है, वो इस बात का सबूत है कि इस देश का सामूहिक विवेक, सामूहिक चेतना जाग चुकी है, जो कह रही है कि लोकतंत्र में बात होगी लोकतांत्रिक मुद्दों की, किसी सांप्रदायिकता की, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी। ठीक है शमसी भाई, यही तो मोदी जी को डर है। मुमकिन है कि वक्त लग जाए, लेकिन यकीनन हम चोट करेंगे, और चोट ऐसी होगी कि तगड़ी चोट होगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है। मैं सबसे पहले आपके जो पत्रकार महोदय थे जिन्होंने कहा कि अगर 20 आदमी से पूछा जाए तो 15 आदमी कहेंगे कि इस बार जो है परिवर्तन आ रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये सर्वे इन्होंने किस आधार पे किया है, कहाँ पर किया है, किस तथ्यों को लेकर किया है, मैं इनसे जरूर पूछना चाहूंगा। इस तरीके की बातें, ठीक है, इस तरीके की बातें जो है कार्यक्रम पत्रकार है समझदार है, इस तरीके की बातें इनको नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर आरोप लगे कि पर्टिकुलर एक पार्टी से मिलकर इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। पहले जवाब लेते सुधांशु वाजपेयी का, उसके बाद आता हूँ मैं राजेश आपके पास। सुधांशु जी, आप क्या कह रहे हैं? जी जी जल्दी बात कहिए अपने। जी मैं ये कह रहा हूँ भाजपा के अपने साथी से कि मैं जो सर्वे किया है ना वो लिख के दे सकता हूँ, 4 जून का इंतजार करिए, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। इस देश का नौजवान बता देगा कि इस बार क्या होने वाला है। अगर ठीक है, आपने 400 सीटों का जो ठीक है राजेश। आजाद भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग ग्राउंड जीरो पे पत्रकारिता करते हैं, और आपको एक चीज आप बता दूं कि ग्राउंड जीरो का मतलब गांव-गांव में जाके पत्रकारिता हम लोग करते हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर वही ग्राउंड जीरो पर ही हम लोग जाकर जो पत्रकारिता करते हैं, उन्हीं लोगों में से चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वृद्ध हो, सारे लोगों से बात करने के बाद ही हम लोग ये चीज़ बताते हैं कि कितने लोग आपके पक्ष में बोल रहे हैं, कितने लोग विपक्ष में बोल रहे हैं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, आपको ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। और एक चीज़ आपको बता दें कि आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, ग्राउंड लेवल पर जाइए, तब आप ठीक है। राजेश ठीक है। शमसी आजाद आपने हमारे पत्रकार से सवाल पूछ लिया है, मेरा भी एक सवाल लीजिए। आप 400 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, उसका आधार क्या, ग्राउंड क्या है? आधार हमने मेहनत किया है, हमने जनता के बीच में जाके काम किया है। पत्रकार मेहनत करे तो उसे नजरअंदाज करेंगे, आप मेहनत करे तो मेहनत। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी तमाम मेहमानों का। ये थी आज हमारी डिबेट, और जिसमें हमने चर्चा की कि आखिर क्यों चुनाव आते आते जो तमाम स्थानीय मुद्दे हैं वो आखिर क्यों इस तरीके से ध्रुवीकरण पर आकर टिक जाते हैं। तमाम मेहमानों से हमने उनकी राय ली, हमारे संवाददाता राजेश यादव भी अपनी राय दे रहे थे और बतला रहे थे कि कैसे उन्होंने जमीनी तौर पर काम किया है और जाना है लोगों के दिलों में आखिर है क्या, और दूसरे फेज में भी दरअसल होने क्या जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है कि आखिर जो चुनाव स्थानीय मुद्दों से शुरू होता है वो क्यों धार्मिक ध्रुवीकरण पे आ जाता है। यह सवाल जनता से भी है, पार्टियों से तो था ही। बहरहाल इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती थी, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ तो एज 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका मैंने। हाँ, मतलब मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ अब बेटर है।